हाँ जी भोगी कैसे शुरू होता है सत्युग में भोगी भोग वासना की इंद्रियां वहां होती हैं। भोग कर्मेंद्रियों से होता है या ज्ञानेंद्रियों से होता है? है ज्ञानेंद्रियों से भोग ही नहीं कहेंगे, भोग करने वाले भोगी अल्पकाल का सुख भोगते हैं या सदाकाल का सुख भोगते हैं? अल्पकाल का सुख भोगते हैं। और जो योगी होते हैं वो सदाकाल का सुख भोगते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों से भोग करने वाले देवताएं भोगी नहीं है, इसलिए जीवन में सदा काल के सुखी हैं। एक सेकंड का भी उनको दुख नहीं होता है। ज्ञान में और अज्ञान में जैसे बड़ा भारी फर्क है, वैसे भोगी और योगी में बड़ा भारी फर्क है। भोगी रोगी हो जाते हैं और योगी निरोगी रहते हैं। और सत्युग में जो भूख होती है वो थोड़ी होती है या ज्यादा होती है? जो भोगी होते हैं, जैसे निदाम बादशाह 500 रानियां रखता था तो कितना उसका नाश्ता बताया, केले का पूरा लंगर का लंगर ही खा जाता था नाश्ते में। तो ये निशानी है, जितना ज्यादा भोगी होगा उतना ज्यादा भोग भोगेगा इंद्रियों से, और रोगी भी बनेगा। योगी न रोगी बनता है और न भोग वासना में लिप्त होता है। इच्छा मात्रम अविद्या। और गले में हाथ दिखाए, पाँव में हाथ है, गले में हार और पाँव में हार, पाँव में हार दिखाया, पाँव में हार थोड़े ही दिखाया है, गले में भी हार होता है, गले में हार होता है, पाँव में कहीं हार होता है? फूलों को कहीं पाँव से कुचला जाता है? है फूल तो पायल है, हार नहीं है। हाँ जी। और जो पतित होते हैं, जिनकी शक्ति क्षीण होती है, वो भोग भोगते हैं, विख पीते हैं, और जिसकी शक्ति क्षीण नहीं होती है वो भोग ही नहीं कहा जा सकता। शंकर के लिए तो गायन है, शंकर ठीक पीते हैं। ये दुनिया वाले कहते हैं या ब्राह्मण कहते हैं? दुनिया वाले कहते हैं शंकर विष पीता है। अब वास्तव में शिव की आत्मा ने विष पिया या शंकर पीता है? शिव की आत्मा निर्विष है, जो सदा काल की निर्विष है वो ही सारी दुनिया का विष पी सकता है। वो तो ये बार प्योर है, पूरी प्योर है। वो शिव है, शंकर नहीं है। हाँ, शिव और शंकर जब एक हो जाते हैं
परम आत्मा हो जाते हैं तब कहा जा सकता है। और शंकर ने विष दिया तो उसका बदन नीला हो गया, भक्ति मार्ग में कहते हैं। लेकिन राम को भी नीला ही दिखाते हैं, कृष्ण को भी दिखाते हैं और शिव बाबा को काला नहीं दिखाते। लिंग को दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, हीरे का लिंग जो सोमनाथ के मंदिर में लिंग के बीच में हीरा जड़ा हुआ था, तो हीरे का लिंग भी दिखाते हैं, स्वर्ण लिंग भी दिखाते हैं, रजत अर्थात चांदी का लिंग भी दिखाते हैं, ताम्र लिंग भी बनाते हैं और पत्थर या लोहे का लिंग भी बनाते हैं। ये शिव की यादगार है या शंकर की यादगार है? अच्छा, शंकर चार अवस्थाओं से गुजर सकता है, इसलिए शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। याद में बैठा हुआ दिखाना ये पुरुषार्थी की निशानी है या भगवान की निशानी है? वो पुरुषार्थी है पतित से पावन बनने का। शंकर की आत्मा अलग है और शिव की आत्मा अलग है, वो देव है, भगवान नहीं है। शिव तो भगवान है और शंकर देवों के बीच में महादेव है। क्यों महादेव है? कि और देवताओं ने और इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो काम इंद्रिय है उसको पूरा कंट्रोल नहीं किया, इसलिए सभी देवताओं के सभी इंद्रियां पूजी जाती हैं, लिंग की पूजा नहीं होती और शिव के लिंग की पूजा होती है। वो लिंग यादगार है कि शिव ने इस लिंग में प्रवेश किया है, नहीं तो शिव तो सदैव ज्योतिबिंदु है, छोटा है या बड़ा है? शिव छोटा है या बड़ा है? शिव तो सदैव ही सूक्ष्म है, लेकिन वो बड़े रूप में प्रवेश करता है, तो जिसमें प्रवेश करता है उसे लिंग रूप में दिखाया गया है। अच्छा बाबा, ऐसा भी तो कहा जाता है कि महादेव देवताओं का पूर्वज है। जा माने जन्म लेने वाला और पूर्व माने पहले। जितने भी देवात्माए हैं उन देवताओं में सबसे पहले जन्म अर्थात प्रत्यक्षता रूपी जन्म किसका होता है? जिसका पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है वो ही महादेव है। बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले महादेव कैसे हो सकते? और अच्छा बाबा, एक बात समझ नहीं आया, महादेव साल का जो ड्रामा है फर्स्ट बार जो शुरू हुआ उससे पहले तो संगम जो खाई उस टाइम कैसे पता चलेगा ये इसका ईयर से कब साल हो रहे हैं? संगम किसे कहते हैं? संगम मतलब मिलन। काहे का मिलन? आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन पहचानने के बाद होगा या बिना पहचाने हो जाएगा? तो कब पहचाना, 36 में पहचाना या बाद में पहचाना?
36 में नहीं कहेंगे कि पहचाना, पहचान ज्ञान को कहा जाता है। 36 में ज्ञान था, बाप का ज्ञान, बाप की पहचान सन 36 में थी। अगर सन 36 में बाप की पहचान होती तो राम वाली आत्मा फेल हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया ही गया 76 में। जब से भारतवर्ष में महाशिवरात्रि की छुट्टी होना शुरू हुआ, पहले तो भारत में शिवरात्रि की छुट्टी भी नहीं होती थी, तो बाप ही आकर के आत्मा को ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा कौन हो, कौन सा पार्ट बजाने वाली आत्मा हो, तुम्हारा चित्र देव आत्मा का चित्र है या दैत्य आत्मा का चित्र है। क्या पढ़ाई पढ़ने वाले सब ब्राह्मण देवात्मा हैं, होते हैं, या रावण जैसे दैत्य भी होते हैं? होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है अभी सभी के चेहरे तैयार हो रहे हैं। कोई देवात्मा के रूप में प्रत्यक्ष होंगे और कोई दैत्य के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ भी ब्राह्मण थे या कोई और थे? ब्राह्मण थे। तो आसुरी ब्राह्मण भी यह हैं और देवताएं भी यहां बैठे हुए हैं। इसलिए मुरली में बोला बड़े से बड़े पाप आत्मा देखना हो तो यहां देखो, बड़े से बड़े पुण्य आत्मा देखना हो तो यहां देखो। और हर्ट पर जो 5 दशाओं का ड्रामा हुआ उसके बाद ही शुरू हो गया, इससे पहले तो नहीं है? ऐसे 100 साल के अंदर 5 दशाओं का ड्रामा थोड़ा हुआ है। अभी बोला, पूछा संगम युग माने क्या, समझ में नहीं आया? ये तो फर्स्ट चक्कर नहीं है, जब से सृष्टि बना तब से ड्रामा चल रहा है। माने सृष्टि बनती भी है जब से बना हुआ है, तो आत्मा भी बनती होगी? तो बना हुआ है। अरे, जब आत्मा बनी हुई है तो सृष्टि भी बनी बनाई है, बनाई नहीं जाती। न आत्मा बनाई जाती न ये सृष्टि बनाई जाती, ये अनादि है। आत्मा भी अनादि है। आत्मा का भी अंत नहीं होता, परमपिता परमात्मा का भी अंत नहीं होता और सृष्टि का भी अंत नहीं होता। सृष्टि के जो 5 तत्व हैं उनका भी कभी अंत नहीं होता, ये अनादि है। और स्वर्णलिंग सतयुग में, रजत लिंग त्रेता में और द्वापर में ताम्र लिंग और कलयुग में पत्थर या लोहे का लिंग। ये लिंग किसके लिए बोला? जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय,
जो पहला क्षत्रिय है वो पहला वैश्य, जो पहला वैश्य है वो कलयुग में पहला शूद्र बन जाता है, क्षुद्र है, जैसे मेटल, सोना भी मेटल है और लोहा भी मेटल है, लेकिन क्षुद्र कौन सा है? लोहा क्षुद्र है और सोना श्रेष्ठ है, सच्चा है, है? संगम युग में रजत लिंग भी नहीं है, स्वर्ण लिंग भी नहीं है। संगम युग में जब पुरुषार्थ लिंग का पूरा होता है तो हीरा बन जाता है, हीरो पार्टधारी बन जाता है। वो जैसा पार्ट बजाता है वैसा पार्ट और कोई भी नहीं बजा सकता है। सोमनाथ मंदिर में हीरा था, लिंग तो लाल पत्थर का था लेकिन बीच में हीरा जड़ा हुआ था, तो यादगार हुई ना, है? द्वापर युग में जो पूजा शुरू होती है वो जड़ की होती है या चैतन्य की होती है? और यहाँ यहाँ तो लिंग भी चैतन्य है और उसमें हीरा भी चैतन्य है। कब से होगा यार? पहचान कब से हुई? जब से पहचान हुई तभी से कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग। पहचान ही नहीं है कि पुरुषों में उत्तम कौन है तो कैसे कहेंगे? और बाबा धर्मराज नहीं है, शिव बाबा तो प्यार का सागर है। जो प्यार का सागर है वो मार का सागर कैसे कहा जा सकता? हाँ कहते हैं शिव बाबा, क्या कहते हैं? धर्मराज मेरा राइट हैंड है, धर्मराज मेरे साथ है। तो धर्मराज की आत्मा अलग और शिव बाबा अलग। जो धर्मराज है धर्म का राजा वो धारणा का राजा हुआ होगा। अगर धारणा का राजा नहीं हुआ तो धर्म का राजा नहीं कहा जा सकता। और ये जो धर्म का राजा है वो ब्रह्मा बाबा है या दुनिया में कोई और आत्मा है? क्यों है? क्योंकि उसी ने प्रैक्टिकल जीवन में सबसे जास्ती सहन किया है। बच्चों का अत्याचार मां ने सबसे जास्ती सहन किया है। तो जिसने ज्यादा सहन किया है वो सहन कराने के निमित्त बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? वो ही धर्मराज है। इसलिए बोला कि धर्मराज मेरे साथ है, मैं नहीं हूं धर्मराज, मैं मार का सागर नहीं हूं, मार का सागर धर्मराज है। बहुत सहन किया है तो जो यहां बहुत सहन करते हैं वो बहुत सहन कराने के निमित्त भी बन जाते हैं। इसलिए सहन शक्ति को
सर्वगुणों का राजा कहा गया है। परंतु ये बात नंबरवार ब्राह्मणों को याद रहती है कि संगम युग में हमें कौन सा गुण विशेष रूप में धारण करना है। जितना जितना हम संगम युग में ब्राह्मण परिवार के बीच में सहन करेंगे उतना ही हम बड़े राजा बनेंगे, बड़े देवता भी बनेंगे। सहन शक्ति सर्वगुणों का राजा है। और बाबा शिव बाबा आकर एक देश एक जाति एक भाषा धर्म बनाने के लिए आए हैं, ज्ञान भी देते हैं, परंतु बहुत ही प्रादेशिकता चलती है। बहुत ही प्रादेशिकता चलती है। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है? प्राइवेसी या प्रादेशिक? बाबा प्रादेशिक बनाते हैं या वैश्विक बनाते हैं? बाबा तुमको विश्व की आत्मा बनाते हैं या प्रादेशिक आत्मा बनाते हैं? बाबा तो कहते हैं तुम विश्व के मालिक हो, किसी प्रदेश के मालिक बनने वाले नहीं हो। मैं विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, किसी प्रदेश का मालिक बनाने नहीं आया हूँ। अभी सारी दुनिया एक झंडे के नीचे आने वाली है। दुनिया में कौन सी भाषा है जो हर देश में चलती है? हिंदी ही हर देश में चलती है, ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ, हिंदी ही हर देश में चलेगी, क्योंकि वो भगवान की भाषा है। जैसा राजा होता है वही भाषा चलाता है। हर एक राजा ने आकर के अपनी अपनी भाषा चला दी। तो भगवान भी जिस तन में आता है वो विश्व का बादशाह सारी दुनिया में अपनी भाषा चलाएगा या दूसरी भाषाओं को पनपने देगा? है? हाँ, दूसरी भाषाओं को नहीं पनपने देगा। जो बाप का बच्चा बनेगा, आत्मा बनेगा, वो ही बाप के घर में जा सकेगा। आत्मा नहीं बनेगा, निसंकल्प नहीं बनेगा, तो बाप के निसंकल्प घर में नहीं जा सकेगा। और विश्व के मालिक बनने को भी विश्व राज्य विश्व कल्याणकारी बनने का एक का कल्याणकारी नहीं बना। 500 करोड़ में से एक का कल्याणकारी नहीं है, एक का अकल्याण करता है और सारी दुनिया का कल्याणकारी है। तो क्या विश्व कल्याणकारी कहा जाएगा? नहीं कहा जा सकता। आत्मिक दृष्टि माने विश्व कल्याणकारी। आत्मिक दृष्टि नहीं है, देह की दृष्टि है, तो विश्व कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता। बाबा मैं तो भक्ति मार्ग में प्रतिदिन ये शिव का महिमा पढ़ता हूँ, तो अभी क्या करूँ? शिव का महिमा गाती है,
आदित्यनाथ में माता जी शिव का वंदना करते थे, अभी लेकिन अभी क्या करें? भक्ति मार्ग में सिर्फ महिमा ही करते थे या पहचानते भी थे? हैं? पहचानते तो नहीं थे, तो करा धरा सब बराबर हो गया या कुछ फायदा हुआ? और तीसरी पढ़ाई कौन सी बताई? नहीं, गलत फहमी हो गई। गुप्त पढ़ाई ही सूक्ष्म पढ़ाई है। दो तरह की ही पढ़ाई है, डागली पढ़ाई और गाडली पढ़ाई। तीसरी पढ़ाई कोई होती नहीं है। और बाबा, कोई भी आत्मा चारों वस्तु में गुजरता है, सब तो ये जो मयूर और जो पपीता है, ये तो शतजुग से लेकर अभी तक शतक दृष्टि थी, इसमें क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा। जो मोर है वो सतयुग में मोर और ज्यादा सुंदर होगा या एक जैसी सुंदरता कलयुग के अंत तक बनी रहती है? देखने में सुंदर होगा, देखने में ही सुंदर होगा और अनुभव में भी सुंदर है। अगर ये मिसाल जीवित न रही होती तो कोई दुनिया में इस बात को मानता भी नहीं। क्या कि ऐसी पवित्रता भी दुनिया में हो सकती है जिसके लिए कामेंद्रिय की जरूरत ही नहीं है? इसलिए एक मिसाल का रहना जरूरी है। आठ नहीं, आठ नहीं, आठ भी नंबर वार हैं कि आठ के एक जैसे नंबर हैं? नंबर वार हैं, उन आठ में एक ही है जिसकी यादगार मोर का पंख दिखाते हैं। और कर्मेंद्रियों की देवी? अच्छे कर्म करती है कर्मेंद्रियों से या विचार का कर्म करती है? हैं? जो अभिविचार है वो अच्छा कर्म है और विविचार वैश्या का कर्म है। लक्ष्मी वैश्या का कर्म नहीं करती, वो चंडिका देवी नहीं बनती है। अपने इंद्रिय को सतयुग में भी पवित्र रखती है और कलयुग में भी पवित्र रखती है, विविचारिणी नहीं बनती है। भले द्वापर कलयुग दुनिया में तैरता है लेकिन लक्ष्मी कर्मेंद्रियों से पतित नहीं बनती है। हाँ, ईश्वर बना, 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 ईश्वर बना,
और पहले पेपर में फिर ये तेज कर दिया पंखा क्या प्रयोग किया 27 किलोमीटर सुरंग बनाया था उस सुरंग के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का दोनों एक्सीडेंट कराया करने के बाद ज्यादा कुछ भी मिला तो उसको मतलब वो ईश्वर कौन है इसके वजह से दुनिया का मतलब एक डायवर्सन है ईश्वरीय कर्म के बारे में बोला गॉड पार्टिकल है सूक्ष्म जो इधर जो सूक्ष्म में हो रहा है ना शिव का उन्होंने अभी मानना शुरू किया उसके बारे में बताना है फंडे नहीं हुआ वो पदार्थों का जो वो तीन पदार्थ मानते हैं उनका भी अंदर है परमाणु परमाणु के अंदर में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इसका भी अंदर में कोई एक कणा होगा जिसका मास होगा और मास वेट है ना आज दो दिन बाद उन लोग का एक कणा मिला जिसका नाम दिया हिग्स और कोई कणा तो जो कणा मिला उसका एक नाम दिया ईश्वर पणा वास्तव में कोई कोई समझते हैं ये ईश्वर पणा चैतन्य है तो लेकिन हम लोग का बहुत चलता सोचते हैं तो गॉड पार्टिकल नाम दिया इसमें वही ईश्वर वास्तव में ईश्वर पणा उनका बड़ी होना हमें भी बोलता है उसके ऊपर भी विचार होना है फाइनल नहीं हुआ दिसंबर तक हमें बोलते हैं उसके ऊपर अभी विचार जरूरी है और ईश्वर पणा के हिसाब से बोलने से हर पदार्थ के अंदर दुनिया में जो भी कण कण है छोटे से छोटा कण है या कोई पत्थर है या कोई पेड़ है या कोई पौधा है या कोई कीटाणु है या कोई पशु है या पक्षी है या मनुष्य है हर एक में आत्मा है और वो आत्मा शक्ति धारण करती है नंबरवार शक्ति धारण करती है लेकिन किससे शक्ति धारण करती है ये कोई बताए तो ढूंढते ही रहेंगे जिससे वो शक्ति धारण की जाती है वो ही शिव है वो जनरेटर है जिससे ये पेड़ पौधे सब चार्ज हो जाते हैं परंतु वो जड़त्वमयी आत्माएं हैं वो चैतन्य आत्माएं नहीं है चैतन्य आत्मा सिर्फ मनुष्य है और मनुष्यों में भी नंबरवार चैतन्य और नंबरवार जड़त्वमयी है जैसे जो भगवान को पहचान लेते हैं उनको जड़त्वमयी आत्मा कहेंगे या चैतन्य आत्मा कहेंगे चैतन्य आत्मा कहेंगे और जो भगवान को पहचान करके भी भूल जाते हैं पहचान करके भी त्याग देते हैं ग्लानी करने लग पड़ते हैं वो जड़त्वमयी आत्मा है या चैतन्य आत्मा है उनको भी जड़त्वमयी आत्मा कहेंगे और नंबरवार कहेंगे इस हिसाब से वो सुप्रीम सोल
जो नंबरवार जाना जाता है, नंबरवार पहचाना जाता है, उन पहचानने वालों में कोई एक ऐसा है कि पहचानने के बाद कभी भी अनिश्चय बुद्धि में नहीं आता। उस सोल को गीता में परम ब्रह्म बोला है, जो परम पद पाने वाला है वो परम पद विष्णु पद है। इसलिए तीन प्रकार की आत्माएं बताई हैं, एक भोगी और एक अभोक्ता। तीसरी और है जो भोगी होते हुए भी अभोक्ता की स्टेज में स्थिर हो जाती है, वो है विष्णु, जिसके लिए गायन है आनंदम मंगलम भगवान विष्णु, जिसके लिए मुरली में बोला है मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं और तुम तो त्रिलोकी नाथ बनते हो, ब्रह्मांड के भी मालिक हो अर्थात शांति धाम के भी मालिक हो, सुख धाम के भी मालिक हो और दुख धाम के भी मालिक हो। इसीलिए बोला है मुरली में कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की मेरी नहीं है क्या? नरक और स्वर्ग की जो भी दुनिया है उन दोनों प्रकार की दुनिया में हीरो पाटधारी एक ही है या दो हैं? एक ही है। तो वही परम पदधारी विष्णु है। समाज में हो सकता है लेकिन माता कोई सुनवाता नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें तो पेपर में कितना माताओं को व्यभिचारी माता पत्नी माता देखने में आते हैं, इसका सच्चाई क्या है? ये जो बोलते हैं माता नहीं हो सकता है, इसका रहस्य है विविचार और अविविचार। जो माता अपने जीवन में अविविचारी बन करके रहती है उसके लिए गायन है कि माता कभी कुमाता नहीं बनती, और जो विविचारिणी बन जाती है जैसे दूसरे दूसरे धर्म इस्लाम धर्म में अनेक शादियां कर लेती हैं, क्रिश्चियन धर्म में अनेक शादियां कर लेती हैं, व्यभिचारिणी बन जाती हैं, तो क्या वो विमाता नहीं बनती? विपरीत माता बनती हैं या नहीं बनती हैं? उनको कहा जाता है सौतेली माता। ये सौ शब्द ही क्यों आया है? 200 शब्द 400 शब्द क्यों नहीं आया? 8 शब्द क्यों नहीं आया? 100 क्यों आया? और ये कहां से आया है? ये 108 की जो माला बनती है उस माला में
जो सूर्यवंशी है उनके लिए दिखाया है आठ, और बाकी रहे सौ, वो सौ दूसरे दूसरे धर्म के हैं या सूर्यवंशी है, वो सौ दूसरे दूसरे धर्म के हैं और उनको पालना देने वाली है, उसको कहते हैं वी माता, सौ तेली माता। उसमें भी जो सात धर्म हैं और विधर्मी भी हैं, विपरीत धर्म वाले हैं, उन सात में से बारह बारह के ग्रुप, बारह गुणे सात कितने हो गए, वो चौरासी घंटे वाली देवी है। वो घंट बजने वाले हैं, आज जम घंटों की बात आई है नहीं आई, आज मुरली में जम घंट की भी बात आई है। बहुत त्रास देते हैं, संगम युग में त्रास देने की बात है या द्वापर कलयुग में त्रास देने की बात है, ये संगम युग की यादगार है। जो भक्ति मार्ग में मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा धर्मराज के दरबार में जाती है, वो तो द्वापर कलयुग की बात ही नहीं है, यहाँ संगम की बात है। और भक्ति है यदा यदा धर्म से ग्लानी भक्ति भारत अभी स्थानम धर्म से उदात्मान जिगाम परिकारणाय साधुना विनाशाय च धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामी विवेक के सब जो है उसका क्या संगम युग की बात है कि संगम युग में ही चारों युगों की शूटिंग होती है, संगम युग में ही देवतावर्ण के सतयुग की शूटिंग होती है, संगम युग में ही क्षत्रिय वर्ण के त्रेता की शूटिंग होती है, संगम में ही द्वापर युगी द्वैतवादी विशेष वैश्यों की शूटिंग होती है, और संगम युग में ही कलयुगी क्षुद्र मनुष्यों की शूटिंग होती है। इसलिए बोला कि संभवामि युगे युगे, माने चारों युगों की शूटिंग में मैं आता हूँ, बाकी 1200 वर्ष के युग में नहीं आता हूँ। ये गीता किस समय की यादगार है, तो संभवामि युगे युगे का जो अर्थ है वो संगम में लागू होगा या चारों युगों में लागू होगा, संगम में लागू हुआ है। और बारह जो राशि बताया उसमें बताया था चार स्थापना करी चार पालना करी चार विनाश करी, तो कौन सा राशि चार स्थापना करी चार पालना करी चार विनाश करी, जो ज्यादा ताकतवर हैं वो ही ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा पावरफुल है या विष्णु पावरफुल, ऊंच पद किसका है, है? विष्णु का ऊंच पद है, तो विष्णु सर्वोपरि है, स्थापनाकारी और पालनाकारियों के बीच, बाकी है विनाशकारी।
जो विनाशकारी हैं अपने पद का भी विनाश करते होंगे या नहीं करते होंगे, है अपने पद का भी विनाश कर देते हैं तो दूसरों के पद का भी विनाश कर देते हैं। सीताराम के बीच में सीता को पहन दे, सीताराम के बीच में लक्ष्मी को पहन दे, लेकिन शिव दुर्गा के बीच में दुर्गा क्यों नहीं पहन, दुर्गा क्यों नहीं पहन, शिव दुर्गा के बीच में नाम लिया जाता है पहले सीताराम, पहले सीता को बोला जाता है, राम को, लक्ष्मी नारायण, फिर नारायण, पहले राधा, फिर कृष्ण। शिव जी के बारे में पूछ रहे हैं, पहले शिव ही क्यों बोला जाता है, दुर्गा शिव क्यों नहीं बोला जाता? इसलिए बोला जाता है कि राम के साथ सीता ये दोनों भगवान हैं या देवता हैं, ऐसे ही राधा और कृष्ण ये दोनों देवताएं हैं या भगवान हैं, ऐसे ही लक्ष्मी और नारायण ये लक्ष्मी नारायण बनने वाले देवता हैं या बनाने वाला भगवान है, और शिव, शिव तो बनाने वाला भगवान है, तो बनाने वाला ऊंचा या बनने वाले देवी देवताएं ऊंचे, बनाने वाला ऊंचा होता है। मैं भगवान कण कण में है, हमारे सर सुनिए, बहुत बड़ा ज्ञान है तुम्हारे अंदर, अभी आपने बताया कि कण कण में भगवान है, हमने बताया, अभी आप बताए कि शिव जी हमारे जैसे पाठधारी है, शिव हमारे जैसा पाठधारी है, शिव बाप हमारे जैसा पाठ बजाते हैं, अरे हम पावन भी बनते हैं, हम पतित भी बनते हैं, और शिव तो हमारे जैसा पाठ हुआ दुनिया में, इस दुनिया में ही, इस दुनिया में आकर के शिव हमारी तरह पतित और पावन बनता है क्या? नहीं, ये किसने बोला? हम तो नहीं बताया कभी भी, अरे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, दोबारा पढ़ लेना, सुन लेना, कोई भूत तो नहीं घुस गया था अंदर, उल्टा सुन लिया। जीवन मुक्ति, मैं आत्मा हूँ, एक संकल्प तो रहेगा ना कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, एक संकल्प तो हुआ ना, बिंदु ये संकल्प आपको कैसे कहेंगे? किसको? मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, ये एक संकल्प तो है, मैं हूँ परम धाम में, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, ये संकल्प मात्र भी रहेगा क्या? वहाँ तो आत्माएं जड़वत हैं, और नई दुनिया में जड़वत नहीं होंगी, चैतन्य होंगी, पार्ट इस दुनिया में बजाया जाता है, परमधाम में कोई पार्ट नहीं चलता है, तो परमधाम की स्टेज अलग है, जैसे मनुष्य सोता है एक अवस्था, मनुष्य स्वप्न में जाता है दूसरी अवस्था, और मनुष्य जागृत हो जाता है तीसरी अवस्था, ऐसे ही आत्मा की ये तीन अवस्थाएं हैं, एक है परमधाम में पहुंचने के बाद सुसुप्त अवस्था, दूसरी है इस दुनिया में आने के बाद
स्वप्नवत अवस्था, वो स्वर की दुनिया सपना हो गई या प्रैक्टिकल में है? है सपना हो गई, और अभी है ज्ञान की जागृत अवस्था। ये ज्ञान की जागृत अवस्था सतयुग में नहीं होती है, वहां जागृत होते हैं क्या? ज्ञानी होते हैं देवताएं या अज्ञानी होते हैं? क्या कहेंगे? बुद्धू कहेंगे। और देहो खान और देहो अभिमान, देहो खान और देहो अभिमान, दोनों में एक ही बात है। देह का अभिमान अहंकार और देह का भान मने याद है कि मैं देह हूं, एक ही बात होगी। और बाबा हम भी खेला होली के अनुसार दो या तीन महीने को कहते थे, खट्टी में जब होते तो दो तीन, दो से तीन महीने तक वहाँ योग होता, घर में दो बजे से उठ के तीन बजे तक योग कर तो सो जाते हैं। आप ही सो जाते हैं या जितने हैं वो सब सो जाते हैं? अरे वो आपकी ही बात है या सबकी बात है? आप अपनी बात बता रहे हैं। कोई ऐसा भी होगा जो अपनी बात बताएगा कि हम दो से और जब तक सूरज निकलता है तब तक हम कभी जागते ही नहीं। मुर्गा क्या करता है? मुर्गा क्या करता है? है जागता है और सबको जगाता जाता है, बोलता है दाता गां, दाता का गायन करो, और खुद सो जाता है। ऐसा जो करते हैं कि जाग करके फिर सो जाते हैं वो विदेशी बनते हैं या स्वदेशी बनते हैं? हैं? विदेशी बनते हैं। इसलिए जितने भी धार्मिक सीरियल दिखाए जाते हैं पुराणों में से उठा के, उन सभी सीरियल में ध्यान से देखना न देखा हो कि देवताओं और असुरों का युद्ध होता है, तो असुरों को जो ताज दिखाते हैं उसमें मुर्गे का पंख होता है या मोर का पंख होता है? ये किसकी यादगार है? ये संगम युग में जो दूसरों को जगाते हैं, दूसरों को पढ़ाई पढ़ाते हैं और खुद सो जाते हैं, उनकी यादगार है। एक बार जाग जाए तो अमृत बेला में जब तक सूरज न उगे, सूर्योदय न हो, तब तक सोना निषिद्ध है। अगर सोते रहेंगे तो विदेशी और विधर्मी धर्मों में कन्वर्ट होने की शूटिंग करते रहेंगे। इसलिए अभी सावधान। वो तो गए काम से। और अरे वो शक्ति प्राप्त करेंगे, वो तो शक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकते। पार्वती अर्थात पार लगाने वाली, जैसे कहते हैं धनवती, धन वाली, धनवान,
धन वाला, ऐसे ही पार्वती अर्थात पार लगाने वाली, और वो सिर्फ दुर्गा है। क्या? दुर्गुणों को दूर करने वाली, विनाश करने वाली। दुनिया में दुर्गुण ही ज्यादा हैं या सद्गुण ही ज्यादा हैं? दुर्गुणी है ज्यादा असुर, और सद्गुणी है देवात्माएं बहुत थोड़ी। तो दुर्गा का काम देवात्माओं में चलता है या असुरी आत्माओं में चलता है? जो दुर्गा है वो ही अंत में तमो प्रधान बनती है तो महाकाली बनती है, और महाकाली बनकर के जो भी दुर्गुणी असुर हैं, विदेशी विधर्मी धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, उनके दुर्गुणों का क्या करती है? बिना सबसे बड़ा दुर्गुण कौन सा है? काम विकार नहीं, काम विकार तो सारी सृष्टि में सभी होते हैं। देवताएं काम विकारी नहीं होते हैं, देवताएं भी कामी होते हैं, लेकिन फर्क क्या है? हाँ, देवताएं अभिविचारी होते हैं और असुर अनेक शादियां करने वाले व्यभिचारी होते हैं। ये अंतर है। अभी शूटिंग हो रही है, वो जो दुर्गुणी है उनका विनाश करने के लिए महाकाली का पार्ट नुधा हुआ है। सबसे पहले बड़ा दुर्गुण तो बताया है, बड़ा दुर्गुण है व्यभिचारी बनना। इस्लामी ज्यादा दुर्गुणी है या सन्यासी और आर्य समाजी ज्यादा दुर्गुणी है? इस्लामी ज्यादा दुर्गुणी है। क्यों? क्योंकि सबसे जास्ती व्यभिचारी भी वही बनते हैं। और जब तक पूछते रहेंगे तब तक पढ़ने की क्या दरकार है? है उसमें डबल काम टाइम लगता है, पहले पढ़ो फिर समझो फिर उसका है जवाब दो। हाँ, मूल पक्षी सबसे बड़ा पवित्र है, लेकिन मांसाहारी क्यों है? मोर सबसे बड़ा लेकिन मांसाहारी है, मांसाहारी। मोर जो है ना वो पक्षी है, पक्षी माने उड़ान भरने वाला है या चलने वाला है या दौड़ने वाला है। तो मोर पक्षी की बात है या बेहद के मोर पक्षी की बात है? बेहद का मोर पक्षी पुरुषार्थ में उड़ान भरने वाला है। जो पुरुषार्थी शिव बाबा की उड़ान में उड़ सकता है उसको अन्न दोष लगेगा या नहीं लगेगा? है, है? स्पष्ट बोलो ना। जो शिव बाबा की लगातार याद में भोजन करेगा उसको भोजन का संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। जैसे मिलिट्री वालों के लिए बोला है और धंधे वालों के लिए नहीं बोला। किसके लिए बोला? मिलिट्री, ये भी रूहानी मिलिट्री है। जो शिव बाबा की रूहानी मिलिट्री है उसके लिए ये लागू होता है। क्या? कि मांस और मछली भी खा जाए तो भी उसको कोई असर नहीं होगा। है, ये तो निश्चित है कि वो मोर का पार्ट है। जिस मोर को
आज भी भारत में राष्ट्रीय पक्षी के रूप में माना जाता है। आदमी की कोई हत्या करते पकड़ा जाए और मोर की हत्या करते पकड़ा जाए तो बराबर सजा होगी या कम सजा होगी? बराबर की सजा लुधी हुई है। ऋषि मुनि किसको कहते हैं? ऋषि माने पवित्र और मुनि माने मनन चिंतन मंथन करने वाला। मन का उपयोग करे वो मुनि है। जैसे नारद मुनि और वशिष्ठ मुनि थे या ऋषि थे? ऋषि थे, पवित्रता का पालन करने वाले थे, इसलिए उनको ऋषि कहा जाता है। ऋषिकेश गंगा हरिद्वार में आकर के नीचे गिरती है या ऋषिकेश में नीचे गिरती है? है हरिद्वार में नीचे गिरती है। ऋषिकेश में पवित्र है, पहाड़ों पर है, ऊंची स्टेज में है, इसलिए गंगा को ऋषिकेश तक अपवित्र नहीं कहेंगे। मैदान में आती है फिर अपवित्र बनती है।